हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग नया लेसन पढ़ेंगे, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे? स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, जिसे हम चाल समय दूरी कहते हैं। चाल समय और दूरी, तो इसमें हम दो चीज जानते हैं, दूरी और समय। दूरी और समय, तो दूरी किसमें होता है? किलोमीटर में या फिर मीटर में होती है दूरी। और समय होती है आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड में होती है ना। तो इधर देखिए, दो लोग हैं और इधर तीन लोग हैं। तो यहाँ पे अगर टाइम मिनट्स में दिया रहेगा तो उसे हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे मिनट्स का कोई मतलब नहीं है, तो मिनट्स को हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमें आवर्स और सेकंड से मतलब है, किसमें? टाइम में। अब देखिए, यहाँ पे दो लोग हैं और यहाँ भी दो लोग हैं, तो चाल इन्हीं दोनों लोगों का रेशियो होता है। तो चाल इक्वल टू दूरी बटे समय होती है ना। तो चाल यहाँ पे अगर किलोमीटर प्रति आवर्स में होगा तो दूरी भी यहाँ किलोमीटर में होगी और समय मीटर में होगी ना। अगर इधर किलोमीटर प्रति आवर्स में होगा तो इधर भी किलोमीटर प्रति आवर्स में होगा, यहाँ पे आवर्स होगा ना। अगर इधर मीटर प्रति सेकंड होगा तो इधर भी मीटर प्रति सेकंड होगा। तो चाल इधर मीटर प्रति सेकंड में होगा तो इधर भी दूरी मीटर प्रति सेकंड में होगी ना। लेकिन ट्रेन वाले क्वेश्चन में, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड रहता है और इधर चाल किलोमीटर प्रति आवर्स में दिए रहते हैं। किसमें? किलोमीटर प्रति आवर्स में दिए रहते हैं। तब क्या करेंगे? तब हम 5/18 से गुणा कराते हैं। 5/18 से जब गुणा करा देंगे तो ये भी मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो बस हम इतनी चीज़ें याद रखते हैं, बाकी सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से चल रही है, उसे 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखते हैं। तो कह रहे हैं एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से, तो हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होती है ना। तो चाल कितना दिए हैं? 45 किलोमीटर प्रति आवर्स दिए हैं, तो चाल के स्थान पे क्या रखेंगे? 45 रखेंगे, किलोमीटर प्रति आवर्स रखेंगे, इक्वल टू दूरी कितना दिए हैं? 4/5 किलोमीटर की दूरी है, तो 4/5 किलोमीटर की दूरी दिए हैं समय, और ये क्या है दूरी? 4/5 किलोमीटर है ना। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 45 नीचे आएगा, समय ऊपर जाएगा। तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/5 के नीचे 45 आएगा, तो यहाँ पे 45 लिखेंगे और आवर्स ऊपर जाएगा तो इनटू में आवर्स होगा। तो यहाँ ऑप्शन में चारों में सब सेकंड में आ रहा है, तो यहाँ भी हम सेकंड में चेंज करेंगे, जो आवर्स में है तो सेकंड में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 60 मिनट में चेंज हुआ, फिर 60 से गुणा कराएंगे तो सेकंड में चेंज हो गया।
पंद्रह चौका 60, पंद्रह तिया 45, पाँच तियाई 15, पंद्रह चौका 60, चार चौक 16, चौका 64 सेकंड। समय कितना आ गया? 64 सेकंड। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वायुयान एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर प्रति आवर 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कुल 5 घंटे में तय करता है। यदि यही दूरी कहेंगे वही दूरी, तो दूरी दोनों की दूरी बराबर होगी, तो दूरी वन इक्वल टू दूरी टू हो जाएगी। तो दूरी वन, चाल वन, समय वन। पहली दूरी चाल वन इंटू में समय वन हो जाएगा इक्वल टू, फिर दूरी टू, चाल टू, समय टू। चाल टू इंटू में समय टू हो जाएगा। तो चाल वन दिए हैं 240 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 240 लिखेंगे। समय कितना दिए हैं? समय दिए हैं 5 घंटा, तो इंटू में 5 हो जाएगा इक्वल टू चाल टू। चाल टू दिए हैं, चाल टू निकालना है, तो यहाँ पे चाल टू ऐसे ही लिखेंगे। इंटू में समय टू दिए हैं एक सही 2/3, एक सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 1 = 3, 2 = 5/3 लिख सकते हैं ना। 5/3 हो गया, तो 5 से 5 कैंसिल होगा, 3 से इधर गुणा हो जाएगा, तो चाल टू इक्वल टू 0, 3 × 4, 3 × 2 = 6, 7। तो दूसरा चाल कितना आ गया? 720 किलोमीटर आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? तो देखते हैं, अब यहाँ पे रेलगाड़ी आ गई ना, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी दिए हैं? 30 किलोमीटर प्रति आवर से दिए हैं, तो 30 चाल के स्थान पे कितना? 30 किलोमीटर प्रति आवर से दिए हैं, तो यहाँ पे हम 5/18 से गुणा कराएंगे ना, तभी तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज होगा। फिर दूरी दिए हैं, रेल की दूरी कितना, प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। हाँ ठीक है, तो रेलगाड़ी की दूरी कितना दिए हैं? 100 मीटर दिए हैं ना, तो यहाँ पे हम 100 मीटर रखेंगे। समय नहीं पता है, तो समय को ऐसे ही रखेंगे। समय तो 0 से 0, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, तो 6 × 2 = 12। समय कितना आ गया? 12 सेकंड समय आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो वह नियत समय से 40 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करे, तो बताएं वह नियत समय से कितना पहले पहुंच जाएगा। देखते हैं, तो ये दिए हैं 20 किलोमीटर की यात्रा, 20 किलोमीटर क्या दिए हैं? दूरी दिए हैं, तो दूरी के स्थान पे 20 रखेंगे ना। फिर 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हैं, तो चाल कितना है? 5 दिए हैं। समय निकालना है, 5/2 समय हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 20, 5/1, तो समय इक्वल टू 4 आवर्स। समय कितना आ गया? 4 घंटा आ गया। तो ये कह रहे हैं वह नियत समय से 40 मिनट देरी से पहुंचता है, 40 मिनट देरी से पहुंच रहा है ना, और यहाँ पे 4 घंटा है, तो कितना हो जाएगा? 3 घंटा 20 मिनट हो जाएगा ना। जब वो 40 मिनट देरी से पहुंचेगा, तो कितना समय हो जाएगा? 3 20 हो जाएगा। तो ये क्या, यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से तो चाल दिए है ना, तो चाल के स्थान पे 8 रखेंगे, और यहाँ पे समय वन मान लीजिए। समय वन कितना आ गया है? ये आ गया है 3 20 आ गया है, और यहाँ पे चाल 8 दिए हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हैं। दूरी कितनी है? दूरी वही रहेगी 20 ही,
तो 20 रखेंगे बटे में समय 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो दूसरा समय कितना आ गया, 2.5 घंटा। 5/2, 5/2 का मतलब 2.5 घंटा ही तो हुआ। या फिर इसे हम लिख सकते हैं 2:30, 2:30 ऐसे, ये भी है घंटा। तो यहाँ पे देखिए ये कितना ज़्यादा है, इससे 50 मिनट ज़्यादा है, तो ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है, बताएं पुल की लंबाई मीटर में क्या होगी। देखते हैं, दिए हैं, करें एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिए है ना, तो क्या दिए हैं, स्पीड 5 रखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में दिए है ना, और फिर समय मिनट में दिए हैं, तो यहाँ पे हम 5/18 से गुणा कराएंगे तो ये सेकंड में हो जाएगा। फिर दूरी पुल दिए है ना, तो पुल ही दूरी होगी, तो यहाँ पे हम पुल लिखेंगे बटे में समय कितना दिए हैं, 15 मिनट का समय दिए हैं, तो 15 मिनट इधर सेकंड में है, तो इधर भी सेकंड में होना चाहिए, तो हम 60 से यहाँ पे गुणा कराएंगे, तो 6 दहा में 60, 6 3 18, 3 1 3 5 15, तो ये आ जाएगा पुल की लंबाई 1250 मीटर आ जाएगा। तो ये हाँ ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर लेता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। तो देखते हैं, दिए हैं गति बतानी है ना, तो चाल बतानी है, तो चाल को तो चाल इक्वल टू दूरी दिए हैं 250 मीटर है, तो इसे हम ऐसे ही लिखेंगे 250 मीटर, और समय कितना दिए हैं, 75 सेकंड दिए हैं, 75 सेकंड लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड है, तो इधर क्या होनी चाहिए, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए, तो यहाँ पे 5/18 से गुणा कराएंगे, तो 5 1 5 50 25, 25 2 50, 25 3 75, 3 1 3, 3 6 18, तो 4 12, चाल इक्वल टू 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफार्म की लंबाइयां समान है, रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए प्लेटफार्म को 1 मिनट में पार कर लेती है, बताएं रेलगाड़ी की कुल लंबाई मीटर में कितनी होगी। तो यहाँ पे रेल और प्लेटफार्म दोनों हैं, तो दोनों को हम जोड़ेंगे, तो चाल एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफार्म की लंबाइयां समान है, दोनों की लंबाई समान है, तो चाल कितना दिए हैं, 90 किलोमीटर प्रति आवर्स दिए हैं, तो यहाँ पे हम 90 रखेंगे, 5 ठीक है, चाल के स्थान पे 90 किलोमीटर प्रति आवर्स रखेंगे। दूरी, तो ये कह रहे हैं दोनों की लंबाई समान है, रेलगाड़ी और प्लेटफार्म की लंबाई, तो रेल और प्लेटफार्म की लंबाई प्लस हो जाएगी बटे में समय कितना दिए हैं, समय दिए हैं 90, 1 मिनट में पार कर लेती हैं, 1 मिनट दिए है ना, तो यहाँ पे 1 मिनट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेकंड होना चाहिए ना, तो यहाँ पे हम 60 सेकंड लिखेंगे, 60 सेकंड, और इधर 5/18 से गुणा करा देंगे ना, जब इधर मीटर और सेकंड रहता है तो इधर हम 5/18 से गुणा कराते हैं ना। अब रेल और प्लेटफार्म की लंबाई कह रहे हैं दोनों की लंबाई समान हो, तो मान लीजिए रेल की लंबाई x है, प्लेटफार्म की लंबाई भी x है, 18 1 18 18 5 90, तो ये कितना हो जाएगा, 2x होगा, तो यहाँ पे हम 2x लिखेंगे, 2x, तो यहाँ पे 2 1 2 2 3 6, 30 आ गया, 50 25 25 3 75, तो ये
दूरी कितनी आ गई? 750 मीटर दूरी आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गतिमान रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म तथा प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 14 तथा 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति बताएं किलोमीटर प्रति घंटे में। देखते हैं, दिए हैं तो चाल 5/18 से चाल में गुणा होगा क्योंकि ट्रेन है। तो जब भी रेलगाड़ी का क्वेश्चन आएगा तो चाल में 5/18 से गुणा कराते हैं। इक्वल टू दूरी, दूरी किसकी है? रेल की है, बटे में समय, समय को ऐसे ही लिखेंगे। फिर इक्वल टू, फिर रेल की लंबाई है, रेल प्लस प्लेटफार्म की भी लंबाई है तो प्लेटफार्म भी लिखेंगे, दोनों को जोड़ के लिखेंगे, बटे में समय। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों जगह समय समय है ना, तो यहाँ पे दो लोग हैं तो यहाँ पे बड़ा समय होगा और यहाँ पे एक लोग हैं तो छोटा समय होगा, छोटा समय। फिर यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, फिर आर की वैल्यू निकालने के बाद इसमें रखेंगे तो रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। तो रखते हैं आर, आर को तो ऐसे ही लिखेंगे, छोटा समय कितना है? 10 सेकेंड है तो 10 लिखेंगे। इक्वल टू आर प्लस प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है? 50 मीटर है तो 50 रखेंगे। इक्वल टू बड़ा समय कितना है? 14 सेकेंड है तो 14 लिखेंगे। 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14 तो 7 आर इक्वल टू 5 आर प्लस 50। 5 आर को इधर लेके आएंगे तो 2 आर आ जाएगा तो 2 आर सॉरी यहाँ पे 5 का गुणा 50 में होगा ना तो 50 × 25 250 आ जाएगा। 250, 5 आर को इधर लेके आएंगे तो 2 आर आ जाएगा। 2 आर इक्वल टू 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10 तो रेल, रेल की लंबाई कितनी आ गई? 125 मीटर आ गई। अगर रेल की लंबाई पूछी होती तो 125 मीटर आंसर आ जाता, लेकिन ये क्या पूछे हैं? ये तो रेलगाड़ी की चाल पूछे हैं ना, तो फिर इसमें अब हम रखते हैं मान, अब हम इन दोनों का लेते हैं तो 5/18 इंटू में चाल इक्वल टू आर, आर के स्थान पे कितना रखेंगे? 125 रखेंगे। 125 बटे में छोटा समय 10 है, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 50 × 25, 50 × 25 = 5 × 10, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18 तो 5 × 9 = 45 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई? 45 किलोमीटर प्रति आवर्स आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धावक 200 मीटर की रेस 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। तो देखते हैं, गति किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है ना, तो हम 5/18 से इसमें भी गुणा कराएंगे। कह रहे एक धावक 200 मीटर की रेस है, 200 मीटर की रेस, दूरी कितना दिए हैं? 200 मीटर दिए हैं। समय कितना दिए हैं? समय 24 सेकंड दिए हैं, 24 सेकंड। चाल, चाल कितना? चाल निकालना है, हाँ तो चाल गति बतानी है ना, चाल को हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे देखिए मीटर है, सेकंड है, तो इधर क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करा देंगे, तो ये भी मीटर से, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। 5 × 6 = 18, 6 × 6 = 24, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 20, 4 × 4 = 4, 4 × 2 = 40। तो चाल कितनी आ गई? 10/30 किलोमीटर प्रति आवर्स आ गई ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। तो ये भी ऐसे ही रहेगा जैसे इसे लगाए हैं। देखते हैं, तो इसमें भी चाल बतानी है ना, तो यहाँ भी हम 5/18 से गुणा कराएंगे, इंटू में चाल इक्वल टू दूरी कितना है? दूरी 10 मीटर है, 10 मीटर। समय 1 सेकंड है तो
पाँच इक्के पाँच, पाँच दूनी दस, अट्ठारह दूनी छत्तीस, चाल इक्वल टू 36 किलोमीटर प्रति आवर्स आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति साइकिल से चलते हुए 150 मीटर की दूरी को 25 सेकंड में तय करता है, गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। तो ये भी ऐसे ही रहेगा। तो चाल, चाल 5/18 इंटू में चाल इक्वल टू दूरी कितनी है, दूरी 150 मीटर है। तो 150 मीटर समय, समय 25 सेकंड दिए हैं, तो 25 लिखेंगे। 25, 5 के 5, 5 की आई 15, 5 25, 5 6 30, तो 18 और 6 का गुणा होगा, तो 4 इक्वल टू 18 छक्का 108 बटे में 5, 5 एक के 5, 5 दूनी 10, 5 एक के 5, 5 छक 30, तो चाल कितनी आ गई, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी दो पुलों जिनकी लंबाइयां क्रमशः 800 तथा 400 मीटर है को पार करने में क्रमशः 100 तथा 60 सेकंड का समय लेती हैं, बताएं रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखते हैं, तो इसमें दो दूरी दिए हैं, दो समय दिए हैं, तो चाल वन इक्वल टू चाल रेल प्लस पुल वन हो जाएगा, दो पुल है तो पुल वन बटे में समय वन टी वन हो जाएगा इक्वल टू, फिर रेल तो वही रहेगी, आर प्लस पुल टू, पुल दूसरा वाला और समय दूसरा वाला होगा ना, तो आर, आर के रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, तो आर को तो ऐसे ही लिखेंगे प्लस पुल वन, पुल पहले की लंबाई कितनी है 800 मीटर है, तो 800 लिखेंगे, समय वन, समय वन कितना दिए हैं 100 सेकंड दिए हैं, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे इक्वल टू रेल की लंबाई नहीं पता है प्लस दूसरे पुल की लंबाई 400 मीटर है तो 400 लिखेंगे, और समय दूसरा, समय दूसरा दिए हैं 60 सेकंड तो 60 लिखेंगे, 20 पंचे 100, 20 यानी 60, तो 3R प्लस 2400 इक्वल टू 5R प्लस 520 2000, तो R को उधर लेके जाएंगे तो 5R में से माइनस होगा 3R, तो 2R इक्वल टू 2000 को इधर लेके आएंगे तो 2400 में से 2000 माइनस करेंगे तो 400 आ जाएगा, तो 2 से 400 कैंसिल होगा तो ये 200 आ जाएगी, तो रेल की लंबाई कितनी आ गई 200 मीटर।